Hello students, welcome to Conceptual Biology with Sana. I am Sara Hussain and today our topic is classification. What is classification? Biology में अगर हम word classification को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे it is the division of organisms into groups and subgroups on the basis of their similarities and differences. ठीक है, अच्छा जी, चले मैं ये डिफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी हम जानदारों को जब तकसीम करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में और फिर उन ग्रुप्स को फर्दर सब डिवाइड करते हैं सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ बुनियाद हम किस पर रखते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज को देखते हैं कि उनमें क्या क्या चीज कॉमन है और फिर या अगर हम उसको अलग ग्रुप में रख रहे हैं तो फिर डिफरेंसेस को देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज डिफरेंट है कि जिसकी वजह से हम इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब क्या होता है कि हम पहले तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है बल्कि बाज़ औक़ात का क्या हम ऐसे करते हैं कि पहले उनको एक लार्जर ग्रुप में तो एक ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर तो डिवाइड कर लेते हैं लेकिन उनमें कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी होते हैं कि जब हम उसको फर्दर सब डिवाइड करते हैं तो उनको अलग ग्रुप में रख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि बोथ आर हेटरोट्रॉफ्स, देखिए बोथ आर हेटरोट्रॉफ्स इसलिए, और दोनों में सेल वॉल नहीं होता, दोनों की सेल्स में सेल वॉल नहीं होता, इसलिए दोनों को तो मैंने इन सिमिलैरिटीज के बेसिस पे किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। लेकिन अब जब हम आगे जाके इनको फर्दर स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई एक में जो है वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, वर्टिब्रेट्स में हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है जबकि इन वर्टिब्रेट्स में हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं है। तो उसको जब हम फर्दर सब डिवाइड करेंगे तो वर्टिब्रेट्स को अलग ग्रुप में रख लेंगे और इन वर्टिब्रेट्स को अलग ग्रुप में रख लेंगे। समझ आ गई मतलब क्लासिफिकेशन का क्या है कि जब हम जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में किस बुनियाद पर डिवाइड करते हैं कि आइदर उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है तो भाई हमने सेम ग्रुप में डाल दिया और अगर डिफरेंट है तो हमने उसको डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया। अब हमारे पास ये तो हो गई क्लासिफिकेशन की डिफिनेशन। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब किस चीज को बुनियाद बनाकर हम उनको क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे यानी हम जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे उन्होंने इसमें क्या मुख्तलिफ काम किए या उन्होंने क्या प्रपोजल्स दिए। याद रखिए स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व करें कि साइंस में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनमें से ज्यादातर एरिस्टोटल का नाम जरूर आएगा। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी वो रखी हैबिटेट को। हैबिटेट कैसे कहते हैं, किसी भी जानदार के रहने की जगह कि वो किस जगह पर रहते हैं। तो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन के बेस का जो बेस है वो किसे रखा, वो हैबिटेट को रखा कि भाई ऑर्गेनिज्म मौजूद की तरह, और इस बेसिस पर उसने डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को टेरिस्ट्रियल में यानी कि वो लैंड में रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, या फिर एक्वेटिक होंगे यानी कि पानी पे रहेंगे, और या फिर जो है तो हमारे पास क्या होंगी, एरियल होंगी यानी हवा में रहेंगी।
लेकिन ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास बहुत जल्द फेल हो गया। अब क्यों फेल हो गया? इसलिए फेल हो गया कि हमारे पास, अब देखिए, लिजर्ड्स भी जमीन पर मौजूद हैं या स्नेक्स भी जमीन पर मौजूद है और इंसान भी जमीन पर मौजूद है, तो सिवाय इसके कि दोनों लैंड एनिमल्स हैं उनमें और कोई कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर नहीं है। या अगर हम देखें तो टर्टल भी अर्थ पे मौजूद हैं और सॉरी वाटर में मौजूद हैं और फिश भी वाटर में मौजूद हैं, इसके अलावा उनका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर नहीं है। इसी तरह बर्ड्स भी हवा में उड़ते हैं और पिजन्स भी हवा में उड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी इनमें सिमिलर नहीं है। तो इसीलिए ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपके पास फेल हो गए। फिर आगे और बायोलॉजिस्ट, ठीक है, और बायोलॉजिस्ट जब आए तो उन्होंने फिजिकल अपीयरेंस को बेस बनाया कि एक ऑर्गेनिज्म का कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन, क्या क्या उनमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स में उन्होंने किस किस को बुनियाद बनाया? सबसे पहले वेदर द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोट और यूकेरियोट। स्टूडेंट्स, प्रो का मतलब है फॉल्स और कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। तो वो ऑर्गेनिजम्स या वो सेल्स कि जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और इसके अलावा और भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और यू का मतलब है ट्रू, तो जिसमें ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगा और उसके अलावा बाकी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी होंगे और प्रोकैरियोट की नस्बत थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेल होगा, उसको कहेंगे यूकैरियोट्स। तो साइंटिस्ट ने पहला जो बेस बनाया वो क्या बनाया कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। सेकंड आपके पास बनाया कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर, यूनि मींस वन, और मल्टीसेलुलर, मल्टी मीन्स मेनी। तो आइदर एक ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है या ज्यादा सेल्स से बना है, उसके बेसिस पर क्या किया, क्लासिफाई किया। और थर्ड जो हमारे पास था वो हमारे पास था कि वेदर द ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो कि अपने लिए खुराक खुद बनाते हैं, उसको ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे, या फिर हेटरोट्रॉफ्स यानी क्या वो अपने लिए खुराक खुद बनाते हैं या नहीं बनाते, इसको बेस करते हैं। लेकिन जब और स्टडी हो गए तो बायोलॉजिस्ट आगे जब जाते रहे तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ ये चीज नहीं है बल्कि आपने इनका जेनेटिक मेकअप भी देखना है कि वो क्या उनकी हेरिडिटरी मटीरियल सिमिलर है, इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखनी है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब ये है कि क्या एक ही जानदार से ही इवॉल्व हुए हैं, आगे बनकर ये ऑर्गेनिजम्स बने हैं, क्या इनके अबाव अजदाद एक हैं, उसके अलावा फिजिकल अपीयरेंस तो है ही, उसके बाद आपके पास क्या इन ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक जैसी है या डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास हो गए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि इस क्लासिफिकेशन के एम क्या है, मकसद क्या है। हमारे पास नेक्स्ट जो इसका सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन का, वो है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि वजूहात क्या है, किन मकासिद के बेसिस पर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास एम्स में सबसे पहले अगर आप अपनी केपीके के टेक्स्ट बुक में देखें तो लिखा है टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। हमें पता चल जाता है कि इन ऑर्गेनिजम्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर थे और ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। तो बजाय इसके कि मैं काउस का अलग देखूं, डॉग्स का अलग देखूं, कैट्स का अलग देखूं, ह्यूमन बींग्स का अलग देखूं, जब मैंने उसको एक ग्रुप
मेमिलिया में डाल दिया तो मैं इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ स्टडी कर लूंगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं क्या करूं, मैं हर फिश का अलग अलग देखूं तो मेरे पास डिफिकल्ट होगा, इसलिए सारे फिशेस को मैंने पाइसेस में डाल दिया। मैं पिजन का अलग देखूं, पैरट का अलग देखूं, स्पैरो का अलग देखूं, तो इस तरह तो मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो मेरे पास स्टडी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए जब मैं उसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस डिवाइड करती हूँ, तो मैं सिंपली सबके ग्रुप्स को स्टडी कर लेती हूँ और फिर जो जो ऑर्गेनिज्म उन ग्रुप्स में आता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का मुझे पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट मेरे पास है टू प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन कि मतलब ये किस किस ऑर्गेनिज्म से पास हुआ है, ये जो आज हम ह्यूमन बीइंग्स नजर आ रहे हैं आपको, अकॉर्डिंग टू द साइंस हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एप से चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं, तो फिर किस किस स्टेज से गुजर के हमारे पास होमो सेपियन बना है। होमो मींस होमो सेपियन जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम है, तो किस किस स्टेज से गुजर के हमारे पास एक होमो सेपियन बना है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो एक क्लासिफिकेशन का एक मकसद ये है कि हमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता चल जाता है कि किस तरह एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से ये इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने। ठीक है, ये आपके पास हो गया एक अदर पॉइंट। फिर हमारे पास है टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स। ठीक है, अब जैसे कि हमारे भी जो हमारे हैंड्स हैं और बैट्स, बैट्स के जो विंग्स हैं इनके अगर हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ें तो वो क्या है, वो सिमिलर है। या फिर हम देखें तो एप्स और हम में ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सिमिलर हैं, इसका मतलब ये है कि हम एटलीस्ट एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। या पिजन को देखें, स्पैरो को देखें, पैरट्स को देखें, तो इनके क्या हैं, इन सब में विंग्स भी हैं, इन सब के बोन्स भी होलो हैं। ठीक है, तो इनके ये सब जो है वो एग लेइंग एनिमल्स हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इनके आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। टू नेम एंड प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर ग्रुप, और जब हमें पता चल जाता है कि इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है तो उसको हम अपनी खास जो उसका ग्रुप है जो जो उसकी जगह है वहाँ पर पहुँचा देते हैं। जैसे हम देखें तो हम स्टूडेंट से क्लास जब उसको स्कूल में एडमिशन देते हैं तो हम उनसे टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट में आप देखें हम टेस्ट लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि भाई ये स्टूडेंट जो है इस क्लास में बैठने के काबिल है। तो यहाँ एनिमल से हम या प्लांट से हम टेस्ट तो नहीं लेते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं और उनके बेसिस पे हम उसको क्या कर देते हैं, ग्रुप्स में डाल देते हैं, जो उसका प्रॉपर ग्रुप है, जो उसकी जगह है उसको हम डाल देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए हम किन किन उसूलों को मद्देनजर रखें, किस किस उसूल को बेस बनाकर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले है कि हमने अपेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। जैसे आपने लोअर क्लासेस में, मैं मेमल्स की एग्जांपल इसलिए बार बार दे रही हूँ कि आप प्राइमरी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि मेमल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बच्चे पैदा करते हैं, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं। तो देखिए आपने इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया, इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि इनके ऊपर बाल भी हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, दूध भी दे, तो इसको मद्देनजर रखना है। या अगर हम बर्ड्स को देखें तो इनकी विंग्स हैं, इनकी बॉडी इज कवर्ड विद द फेदर्स, ये एग ले करते हैं, तो ये क्या हो गए, ये हल्के होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, तो इसको बेस बनानी है। तो सबसे पहले अपेरेंटली हमारे पास सिमिलैरिटीज क्या है। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन वन ग्रुप और इन क्लोजर इफ दे हैव मोर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास एक टर्म है होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमो का मतलब है सिमिलर,
तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जब हम उसकी उस स्ट्रक्चर की एनाटॉमी देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे हेड की एनाटॉमी और बेड की एनाटॉमी देखें, तो ज़ाहिरी तौर पर तो वो उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं और हम काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम देखिए अंदर एनाटॉमी, तो उनके विंग का स्ट्रक्चर और हमारे हैंड का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। तो इसका मतलब ये है कि इनके आबाओ अजदाद एक थे, तो जिनके आबाओ अजदाद एक हो और फिर ऐसे हमारे वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स यानी उनके अंदर एनाटॉमी एक जैसी हो, इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा हो, तो हम उसको होमोलोग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो जितने एक दो ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल मैंने लिए और दोनों में होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बहुत सारी सिमिलर हों, इसका मतलब ये है कि हम उनको ज़्यादा क्लोजर ग्रुप में डालेंगे। द एनाटॉमिकल फीचर्स एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज आल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन। एनाटॉमिकल फीचर्स में वही बात आ गई, अभी मैंने होमोलोगस में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अंदर उसका का स्ट्रक्चर कैसा है, बाहर से हम फंक्शन नहीं देखते, फिजिकल अपीयरेंस तो एक बार हो गए, कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उसको बेस बनाएंगे और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बेस बनाएंगे। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का क्या मतलब है कि आइदर वो एक ही ऑर्गेनिज्म से इवोल्व हुए हैं। इवोल्यूशन का क्या मतलब है, वो प्रोसेस कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म में वक्त के साथ साथ चेंज आता है और बिल्कुल एक नया जानदार बन जाता है। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम उन ऑर्गेनिजम्स के पढ़ेंगे कि अगर वो एक ही ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए हैं और ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म बने हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे, तो उसको भी हम मद्देनजर रखेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन से मेन पॉइंट्स हो गए, एक तो उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, दूसरा उनको हम क्लोजर ग्रुप्स में तब डालेंगे जब उनके बहुत सारे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स एक जैसे हों, और तीसरा जो है वो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो कि कहीं ना कहीं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स ही के साथ रिलेटेड है। स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक माई लेक्चर देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।